ये डायरेक्टर बनी, फिर 2022 में इसे चेयरपर्सन बना दिया गया सीबी का। और मैं अब सीबी के चेयरपर्सन से पूछना चाह रहा हूँ कि सिंगापुरियन कंसल्टेंसी फर्म अगोरा पार्टनर्स क्या आपका नहीं है? अदानी के पूरे पैसे क्या आप हेरा फेरी में नहीं लगा रहे हैं अपने पैसों के साथ? और हम, अब हमारा मुतालिबा है कि ये जो खातून है जो पूरे करप्शन स्कैम में मुलविस है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, इंक्वायरी बैठना चाहिए, उसे इस्तीफा दीजना चाहिए। यही मुतालिबा हम कर रहे हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कायम करो मोदी से। अब ये समझ में आ रहा कि मोदी सरकार किया जितना भी बेनामी जायदादों का वारिस कौन है? वारिस है अदानी। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अदानी को बचाना चाह रहा है, नरेंद्र मोदी सीबी के चेयरमैन और चेयरपर्सन को बचाना चाह रहा है, क्योंकि अदानी खुद ये स्कैम में मुलविस है। अब आप देखेंगे मासूमों का पैसा लगा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, LIC का पैसा लगा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है, करोड़ों का पैसा लगा हुआ है, करोड़ों का हेरा फेर रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी जना ये समझने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं कायम कर रहे। यही मुतालिबे को लेकर हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे, और हमारा एहतजाज जब तक चलते रहेगा जब तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कायम नहीं करेंगे।